अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे चैनल से जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्होंने कैसे परचम लहराया। बाद हर्षराज से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और हर्षराज ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और 95 है इनके केमिस्ट्री के अंदर और 453 जो है इनके ओवरऑल आए हैं टोटल 500 के अंदर से, तो इनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा नाम है हर्षराज कुल्हार, मेरे पिताजी का नाम रविशंकर कुल्हार है और मम्मी का नाम अर्चना कुल्हार है। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से रहने वाला हूँ। मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा अभी इस साल पास की है। मेरा रिजल्ट 27 जुलाई 2020 को आया है। मैंने कक्षा 12वीं विद्या निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा से दी है और मेरे जो ओवरऑल परसेंटेज रहे मेरे 90% रहे हैं, 90.6, और मुझे केमिस्ट्री में 95 मार्क्स, फिजिक्स में 93 और मैथ्स में 91 मार्क्स मिले हैं। ट्यूशन्स लगाई हुई थी और स्कूल में मेरी अच्छी पढ़ाई होती थी, तो ट्यूशन्स और स्कूल में दोनों में अच्छी पढ़ाई होने के कारण मेरा रिविज़न अच्छा हुआ। प्लस मैंने खुद ने घर पे बहुत मेहनत की। इसके अलावा मुझे शुरू में नहीं पर लास्ट में शिवम सर का चैनल यूट्यूब पे मिला और शिवम सर ने बहुत मेहनत की है। मैं देखा हूँ उनकी वीडियोस में, उन्होंने मतलब हर बच्चे को रिप्लाई किया हुआ है। उनके चैनल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं फिर भी वो सबको रिप्लाई करते हैं, सभी का कॉल अटेंड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो शिवम सर जाने। अब शिवम सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा और नए स्टूडेंट भी शिवम सर से जुड़ सकते हैं जो 11th में गए हो या 12th में गए हो। शिवम सर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके अलावा आप साल भर पढ़िए, साल भर पढ़ने से ही सब कुछ होगा। आप एग्ज़ाम के शुरू शुरू में पढ़कर 90% या अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि जो साल भर पढ़ता है उसी का मस्त रिविज़न होता है। यूट्यूब पे कंटेंट थोड़ा सा कम है पर शिवम सर MP बोर्ड के रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट है पूरा दे रहे हैं और जो केमिस्ट्री है वो आपको MP बोर्ड की अगर पढ़ना है, MP बोर्ड वैसे तो आजकल NCERT पैटर्न NCERT पर बेस्ड हो गई MP बोर्ड भी, पर शिवम सर पूरी आपके MP बोर्ड का 11th 12th पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया से, तो आप शिवम सर के चैनल को देखिए। और इसके अलावा जो स्टूडेंट जो ट्यूशन्स नहीं लगा पाते हैं या जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती जिनकी, तो वो भी YouTube से पढ़ सकते हो, क्योंकि YouTube मोबाइल आजकल सबके पास होता है। तो आप YouTube सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। ऐसे शिवम सर चैनल बहुत सारे चैनल भी होंगे। स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन्स लगा सकते हैं तो वो ट्यूशन्स तो लगाइएगा, आपके ऊपर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर है। पर आप यूट्यूब से भी हेल्प लीजिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं एजुकेशन के लिए भी यूज़ कीजिए यूट्यूब को, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। साथ में आपको बता दें कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के इतनी मेहनत करके 99 और 97 और 95 और 94 और 90+ मार्क्स हासिल किए हैं केमिस्ट्री में। आप भी कर सकते हैं। आपके भी अगर छोटे भाई बहन अगर 12th क्लास में हैं या जो इस बार आए हैं 12th क्लास में, उनको बताएं इस चैनल के बारे में। और केमिस्ट्री की मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं, अगर आप पूरे साल हमसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपके भी 90 या 95 या 90+ मार्क्स आ सकते हैं।